गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, सिविक्स रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. ओके, एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, सो फार वी स्टडीड अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. So it is considered that the government in a democracy has to work towards the welfare of the people. One of the most important aspect of welfare is the health department. Okay, now the next is, we studied about the what is health. What is health? Health means our ability to remain free of illness and injuries. Apart from disease, there are other factors that affect our health, such as dullness, inactiveness, anxiety, or being stuck for long stretches of time. Okay, so after that, we studied about the healthcare in India, and we compared the two columns representing the medical facilities. So in the first column, we show about the medical facilities in our country, and in the second column, it shows the lack of medical facilities in our country. Okay. Then we studied about the healthcare in India. Okay, so to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratory for testing, ambulance services, blood banks, etc. You know that, and these facilities can provide the care and services that patient need. Okay, so and you know that the public healthcare system is a system of hospitals and health centers run by the government. So students, now today we will discuss about the story of Hakim Sheikh. Students, actually you have a story in this book. You have a story, okay, and tells you about the difference between public hospital and private hospitals. Okay, so what is the story? The story of Hakim Sheikh. So the Hakim Sheikh, who is Hakim Sheikh? Yes, Hakim Sheikh was a member of Pashchim Bang Khet Mazdoor Samiti, an organization of agricultural laborers in West Bengal. ठीक है, हकीम शेख जो है वो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, ठीक है, उसके एक ये मेंबर थे जो कि वेस्ट बंगाल में एग्रीकल्चरल लेबरर जो है, एग्रीकल्चर लेबरर है, उनकी एक ये ऑर्गेनाइजेशन है. वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज एंड ही वाज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट. अब एक बार क्या हुआ, 1992 में इवनिंग में चलती हुई ट्रेन से ये हकीम शेख गिर गए और इनको एक मतलब हेड इंजरी आई, एक बड़ी ये सीरियस इंजरी थी, ठीक है. सो उनको हेड इंजरी हो गई एंड उनकी जो हालत थी, जो उनकी सिचुएशन थी, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थी और उन्हें एकदम से क्या किया गया, उनको उस टाइम पर नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, उनको एक इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत थी क्योंकि वो उस टाइम पर जब वो गिरे तो वो एक सीरियस कंडीशन में थी, उनको हेड इंजरी हुई थी और वो सीरियस कंडीशन में थे, उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की नीड थी. ही वाज टेकन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता बट दे रिफ्यूज्ड टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिडंट हैव अ स्पेयर बेड.
उन्हें जो है कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया गया। रीजन क्या था? रीजन क्योंकि क्या था वहां पर, बिकॉज दे डिडंट हैव अ स्पेयर बेड, उनके कोई बेड ही नहीं था, स्पेयर बेड नहीं था। देन अनदर हॉस्पिटल डिडंट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर दिस हिज ट्रीटमेंट। फिर उनके बाद उनको फिर दूसरे हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, कहीं पर उनको जो उन्हें जितनी भी जो फैसिलिटी उनको चाहिए थी जो, ठीक है, या उनको जो फैसिलिटी चाहिए थी वो फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड नहीं थी, या जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर थे जो उनकी इंजरी को का ट्रीटमेंट कर सके, वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कहीं किसी किस कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे जहाँ पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं थे, कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे जहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं थी। ओके, सो इन दिस वे ही स्पेंड 14 इयर्स इन 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू ए डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। सो अब उनको आप ये देखिए क्या सिचुएशन थी, कि इतनी मतलब कि ये उनकी सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस थी, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में थे, और उन्हें 14 आवर्स के अंदर उन्हें 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी उन्हें एडमिट नहीं किया। ओके, सो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। तो फाइनली ही वाज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। फाइनली उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट। सो ही स्पेंट अ लोट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। उन्हें बहुत सी मतलब जब प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहां पर उनको बहुत सा पैसा भी खर्च करना पड़ा। एंड एंग्री एंड अपसेट ओवर द डिफरेंट इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, हकीम शेख एंड पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति फाइल अ केस इन द कोर्ट। अब देखिए उनको एक तो 14 आवर्स तक तो उनको क्या मिला, किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट नहीं मिली, उन्हें 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको ले जाया गया, कहीं भी उन्हें एडमिट नहीं किया गया। फिर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहां उनको जो लॉट ऑफ मनी स्पेंड करनी पड़ी उन्हें अपनी ट्रीटमेंट के ऊपर। तो क्योंकि वो एक तो वो क्या थे, बहुत ज्यादा एंग्री थी इस चीज से और अपसेट थे जो इस तरह के जो सभी हॉस्पिटल के एटीट्यूड को लेकर, तो उन्होंने जिन्होंने उन्हें एडमिट करने से रिफ्यूज कर दिया था, तो हकीम शेख और उनकी जो समिति थी पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, उन्होंने कोर्ट में एक जो केस जो है उनके अगेंस्ट वो उन्होंने फाइल किया। तो स्टूडेंट अब ये आपके ऊपर है कि ये आपने स्टोरी देखी है। ओके, देन इमेजिन दैट यू आर अ जज इन द कोर्ट। ठीक है, कि इमेजिन करो यू तुम उस कोर्ट के जज हो जहां पर ये केस फाइल हुआ है। सो व्हाट वुड यू से टू हकीम शेख। सो अब आपको ये बताना है, ये जजमेंट करनी है कि आप हकीम शेख को अब क्या कहेंगे, या आप अपने अकॉर्डिंग सोचोगे कि आपको अगर जजमेंट देनी पड़े तो आप क्या जजमेंट दोगे। ओके, नाउ द सो पेश देखिए पेशेंट यूजली इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि पेशेंट यूजली हैव अ वेट इन अ लॉन्ग क्यू इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक दिस वन। ओके, तो इन दिस पिक्चर दिस इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, सो यहाँ पर एक बहुत लंबी एक लॉन्ग क्यू में लोग वेट कर रहे हैं, एक बहुत लंबी लाइन में आप खड़े रहते हैं, घंटों घंटों तक वेट करते हैं। तो ये उसी का एक पिक्चर आपको जो है यहाँ पर दिखाया गया है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट इज एक्चुअली स्टूडेंट, सो हियर अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स इज गिवन, एंड दिस कन्वर्सेशन ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द कॉस्ट ऑफ अ क्योर यानी एक इलाज का खर्च। ओके, सो अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड। अमन और रंजन जो है दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। व्हाइल रंजन कम्स फ्रॉम द वेल टू डू फैमिली,
अमन पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड मीट। अमन जो है वो एक रिच फैमिली से है, बिलोंग करता है, ठीक है। जबकि जो कौन वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। रंजन जो है वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि जो अमन है उसके पेरेंट्स जो है वो जैसे तैसे जो है मतलब स्ट्रगल करते हैं, जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो नाउ हाय अमन, गुड टू सी यू बैक। हाउ हैव यू बीन। सो आ रहे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? तो आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल। ओके, सो कहते कि अमन कह रहा है कि आई हैड अ वायरल फीवर, मुझे वायरल फीवर हो गया था एंड आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, और मुझे उसकी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा। देन रंजन, दिस इज रंजन। सो रंजन, ओ मी टू, अच्छा मुझे भी वायरल हुआ था। जस्ट गोट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट अ न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे। इट इज वेरी एक्साइटिंग। तो अब रंजन कहता है कि मैं भी इसी मंडे से स्कूल में मैंने आना शुरू किया है, और मेरे जो डैडी हैं वो मुझे किंग्सवे के एक नया हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए थे, और वहाँ मतलब वो जो हॉस्पिटल था, इट इज वेरी एक्साइटिंग, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहां पर जाकर उस हॉस्पिटल में। देन द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वाज अ 5-स्टार होटल। डैडी सेड दैट वाज अ बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। अब हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी लुक्ड सो पॉश, बहुत ही मतलब पोस्ट नजर आ रही थी वो, एंड आई थॉट, और मुझे ऐसा लगा कि इट वाज अ 5-स्टार होटल। देन डैडी सैड, डैडी ने मुझे बताया कि ये ऐसा इसीलिए लग रहा है कि इट वाज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल था विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होती है, बेस्ट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होती है। ओके, देन डैडी हैड टू पे ₹500 एट अ रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर। आप कहते हैं कि डैडी ने रिसेप्शन पर ₹500 पे किए, रिसेप्शन काउंटर पे पर, किससे मिलने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले। अब देखिए यहाँ पर रिसेप्शन पे ये बैठे हैं, ये रिसेप्शन पे बैठे हैं, तो डॉक्टर से मिलने से पहले इन्होंने रिसेप्शन पे ₹500 पे किए। एंड देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरी थिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनिंग। वहां पर बड़ा ही अच्छा सा म्यूजिक चल रहा था, और हर एक चीज जो है वहां पर, जो हर कोई भी चीज आप कहीं पर भी नजर डालें तो रियली क्लीन एंड शाइन, बिल्कुल साफ और बड़ी चमकदार वो सब हो रही थी। बहुत शाइनिंग था, साफ सुथरा, क्लीन, क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा थी वहां पर। देन द डॉक्टर आस्क फॉर मैनी टेस्ट, बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली। अब डॉक्टर ने मुझे बहुत से टेस्ट करवाने के लिए कहा, और पर वहां तो सभी जो जितने भी सभी जो टेस्ट करने वाले थे, हम कहीं भी गए तो सबके सब, एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली, सबके सब दोस्तों की तरह बड़े ही फ्रेंडली थे और दोस्त की तरह बातें कर रहे थे। द लेडी हु लुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन। अब ये इन दिस पिक्चर, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज लेडी एंड दिस इज रंजन। ओके, सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो ये लेडी है यहाँ पर, सो द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग, ये जो लेडी है जो रंजन का ब्लड ले रही है टेस्ट करने के लिए, टोल मी सो मैनी जोक्स, वो मुझे उसने मुझे इतने मतलब ऐसे जोक्स, उसने टेस्ट लेते लेते ब्लड लेते लेते मुझे ऐसे जोक्स सुनाए कि आई फॉरगेट टू फील द पेन, कि मुझे पेन का तो मुझे फील ही नहीं हुआ। एंड तो वो लेडी क्या बोल रही है, एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, क्या तुमने रियलिटी टीवी पर जो बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? तो आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, और जब मेरे टेस्ट का रिजल्ट आ गया तो हम वापिस से डॉक्टर के पास गए। ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन,
उसने मेरी सारी टेस्ट देखे, टेस्ट रिपोर्ट्स देखी और कहा कि एवरीथिंग वाज फाइन एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, मुझे केवल एक वायरल फीवर हुआ है एंड ही प्रिस्क्राइब सम मेडिसिंस एंड रेस्ट। उसने मुझे कुछ मेडिसिंस प्रिस्क्राइब की, कुछ मेडिसिंस लिखी और रेस्ट करने के लिए बोला। अब ये देखिए, ये है डॉक्टर, दिस इज रंजन एंड दिस इज रंजन फादर। ओके, सो डॉक्टर क्या बोल रहा है कि एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 टाइम्स अ डे एंड अ वाइट टेबलेट वाज वंस बिफोर बेड टाइम, दैट्स फॉर द बॉडी एक, दिस वन इज अ सिरप, डोंट वरी इट्स टेस्टी। अब देखिए, डॉक्टर के देने का भी एक वे होता है कि किस तरीके से एक बच्चे को जब मेडिसिन दी जाती है तो वो मेडिसिन से डरे नहीं, तो कैसे उसको वो दी जाती है। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, हाँ तो छोटे जनाब, यंग मैन, ये जो पिंक टैबलेट है दिन में 3 बार आपने लेनी है, व्हाइट वाली टैबलेट सोने से पहले, और ये बॉडी एक के लिए है, ये एक सिरप है, आप डोंट वरी इट्स टेस्टी, इसका स्वाद बड़ा बहुत बढ़िया है, तो तुम आराम से पी लोगे। सो रंजन सैड थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। वो कह रहे हैं कि थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, मैं तो यहीं पर आकर हॉस्पिटल में आकर ही पहले से बेटर फील करने लगा हूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है कि इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर जिस तरह की फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड होती है, तो वो अपने आप को वैसे ही ऑलरेडी जो है वो अपने आप को क्या करने लग जाते हैं, गुड फील करने लग जाते हैं। ओके, तो यू सी, आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, मैं तुम्हें ये सब कुछ बताने के लिए मतलब कब से वेट कर रहा था, मरा जा रहा था तुम्हें ये सब चीजें बताने के लिए, रंजन ने अमन से बोला। बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन आप तुम अपने बारे में बताओ, अपने अपना बताएं, अब तुम्हें भी वायरल हुआ था, सो विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू, किस हॉस्पिटल में तुम गए थे। सो ये दिस इज अमन एंड दिस इज रंजन। सो अमन अमन सैड, इट वॉज नॉट अ नाइस एज योर्स एट ऑल, ये तुम्हारे हॉस्पिटल जितना, जहाँ तुम गए थे उस हॉस्पिटल जितना अच्छा तो नहीं था। एट फर्स्ट अब्बा डिडंट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सैड इट वुड टेक टू मच टाइम, कि अब्बा जो है पहले तो वो मुझे हॉस्पिटल में ले जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला था इस हॉस्पिटल में, बट क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी एंड इट्स रे बट इट रियली डिड, वो कहते हैं लेकिन हम हॉस्पिटल में गए और वाकई में ऐसा हुआ कि हमें बहुत टाइम लगा एंड इट रियली डिड, ऐसा ही हुआ। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बड़े से हॉस्पिटल में गए, वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर। अब वहां पर क्या था हमें कि जब हम उस बड़े से हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और हमें ओपीडी के काउंटर पर ही एक लंबी लाइन जो है उसमें वेट करना पड़ा। इट वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अबा ऑल द टाइम, मेरी जो मतलब मैं जो बीमार था, मेरी जो तबीयत थी इतनी ज्यादा खराब हो रही थी कि मैं पूरे टाइम अब्बा के ही सहारे टिका रहा। देन व्हेन आवर टर्न केम, जब हमारी टर्न आई तो द डॉक्टर एग्जामिन मी, डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया एंड आस्क फॉर अ ब्लड टेस्ट, और मुझे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू, देन हमें वहां पर जाना पड़ा जहाँ हमें टेस्ट करवाना था और वहां फिर से हमें एक लॉन्ग क्यू में खड़ा होना पड़ा। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन टेस्टिंग रूम टू, अब वहां पर जो थे लोग जो थे वो पूरी भीड़ में मतलब वहां पर खड़े थे। ओके, सो वहां पर बहुत ही भीड़, मतलब एक रश वाला टाइम था, क्राउडिंग था अराउंड इन टेस्टिंग रूम टू, टेस्टिंग रूम के चारों तरफ भी बहुत ज्यादा क्राउड वहां पर था। एंड वी गोट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर द 3 डेज, अब देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उसको तभी उसी दिन जो है रंजन को टेस्ट के रिपोर्ट मिल गई थी, बट क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, दिस इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो हमें जो है 3 दिन के बाद अपने ब्लड के टेस्ट रिजल्ट
रिपोर्ट जो थे रिजल्ट जो था वो हमें मिला एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल एंड देन 3 दिन बाद फिर से हॉस्पिटल गए. देयर वाज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे. इस बार वहां पर दूसरा डॉक्टर था. तो डॉक्टर डॉक्टर सेड मी कि शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज. तो वो कहते हैं कि मुझे अपनी ओपीडी कार्ड दिखाएं और टेस्ट जो आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है वो जल्दी दिखाएं, क्विकली प्लीज जल्दी दिखाओ. तो he seems to be suffering from about a about of viral fever. कहते कि कुछ नहीं, इसे वायरल हुआ लगता है. ठीक है, सो नथिंग नथिंग टू वरी अबाउट. कोई चिंता वाली बात नहीं है. ऑल ही नीड्स टू इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसन. तो ये फीवर उतारने के लिए एक मेडिसन उसे देनी है बस, और कुछ ही कुछ नहीं. ओके, नथिंग एल्स. So my hospital was nice. Mera hospital acha tha, but they gave me many medicines and the whole thing cost quite a lot. So mera hospital tha bahut acha, par unhone mujhe matlab mujhe bahut sari medicines de di aur mere jo meri jo treatment tha usme bahut zyada jo kharch tha wo bhi ho gaya. Okay, oh, my treatment didn't cost much. अच्छा, मेरे इलाज में तो ज्यादा खर्च नहीं हुआ. मतलब ये देखिए यहाँ पर क्या था कि ये जो एम आई हॉस्पिटल वॉज नाइस, ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं रंजन. क्योंकि ये कहाँ गया था? प्राइवेट हॉस्पिटल में. जबकि अमन कहाँ गया था? अमन गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. सो रंजन कह रहा है एम आई हॉस्पिटल वॉज नाइस, मेरा हॉस्पिटल अच्छा था, बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन, उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी थी एंड होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट. और जिसपे खर्चा भी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आई थी. प्राइवेट वाला हॉस्पिटल अच्छा था, मेडिसिन ज्यादा थी, कॉस्ट ज्यादा आई. लेकिन अमन जो था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, उसे क्या हुआ? उसकी ट्रीटमेंट में सिर्फ डॉक्टर ने उसको एक टेबलेट लिखी, ठीक है, और उसके ट्रीटमेंट पे भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आया. ओके, सो माई ट्रीटमेंट डिडंट कॉस्ट मच. सो क्लियर स्टूडेंट्स? So in this conversation, now you understood what is the difference between government hospital and private hospital. Okay, government hospital and private. What is the difference between government hospital and private hospital? Government hospital में facilities आपको चाहे बहुत ज्यादा ना मिले, ठीक है, लेकिन वहां पर आपका जो cost होता है, cost is so less. But in private hospitals जो होते हैं दिखने में बहुत अच्छे होते हैं. बिल्डिंग जो बहुत पोश बिल्डिंग्स होती हैं, बट वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कॉस्ट आती है, इट्स सो मतलब कि ये जो कॉस्ट है वो सो मच होती है. सो इसीलिए जो पुअर पीपल होते हैं, पुअर फैमिलीज होती हैं, पुअर सेक्शंस होते हैं, वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ऐसे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते. लेकिन जो रिच फैमिलीज होती हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल से इजिली अपना ट्रीटमेंट है वो करवा सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट इज पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. ओके, अभी हमने पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के दो हमने स्टोरीज देखी. फर्स्ट हकीम शेख स्टोरी एंड सेकेंड द कन्वर्सेशन बिटवीन टू गुड फ्रेंड्स अमन एंड रंजन. ओके, सो दिस इज public hospital, public healthcare services, and this is private healthcare services. Okay, so from the above story, you must have understood that we can roughly divide it up various healthcare facilities in two categories. First is public health services, and second is private health facilities. Okay students, so in our next lecture we will discuss about this public and private healthcare services. Okay, so that's all for today. Have a good day.